रिलायंस जियो ने भारत में सबसे सस्ता 4G फोन जियो भारत V2 लॉन्च कर दिया है। जियो भारत V2 बेहद ही किफायती दामों पर मिलेगा। इसकी कीमत सिर्फ 999 रुपए रखी गई है। रिलायंस जियो का दावा है कि जियो भारत V2 के दाम पर कंपनी 10 करोड़ से अधिक ग्राहक जोड़ लेगी। रिलायंस जियो ने भारतीय हैंडसेट मेकर कार्बोन के साथ पार्टनरशिप करके इस फोन को तैयार किया है। इसके साथ ही जियो का प्लान लेना होगा, जिसकी शुरुआती कीमत 123 रुपए पर मंथ होगी। एनुअल प्लान के तहत यूजर्स को 1234 रुपए देना होगा। इसमें 168 GB डेटा मिलेगा। 123 रुपए के मंथली प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और 14 GB का डेटा मिलेगा। रिलायंस जियो के मुताबिक भारत में अभी भी 250 मिलियन ऐसे मोबाइल यूजर्स हैं जो 2G यूज करते हैं और उनके पास फीचर फोन है। कंपनी ने यह भी कहा है कि इन यूजर्स के पास इंटरनेट वाले मोबाइल फोन नहीं है। कंपनी के मुताबिक इस फोन को लॉन्च करने का मकसद 250 मिलियन फीचर फोन यूजर्स तक इंटरनेट का एक्सेस पहुंचाना है। आपको बता दें कि जियो भारत फोन में UPI पेमेंट का सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ जियो पे के लिए होगा। जियो भारत फोन में कैमरा भी दिया गया है। इसमें 1000 mAh की बैटरी है। इसके अलावा इस फोन में 128 GB तक का SD कार्ड लगाया जा सकता है। जियो के मुताबिक ये फोन खरीदने पर यूजर्स को जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा। फोन की बिक्री 7 जुलाई से शुरू हो जाएगी। बहरहाल, हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।